हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल। वेल गाइस, बहुत सारे व्यूवर्स ने एक सवाल पूछा है कि क्या डिफरेंस है पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। पता नहीं लोग कंफ्यूज्ड क्यों है, क्योंकि बिल्कुल डिफरेंस है, वो पास्ट है ये प्रेजेंट है, इतना बड़ा डिफरेंस है तब भी शायद कुछ कन्फ्यूजन है। तो चलिए गाइस, दूर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि ऐसी कौन सी परिस्थिति है, ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस है जहां पर आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करेंगे और आप पास्ट इंडेफिनिट यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं तो गलत है। तो इस तरह से डिफरेंसेस मैं आपको बताना शुरू कर दूँ। तो सबसे पहली चीज़ है कि भाई मैं हूँ यहाँ पर, ओके। अब जब से मेरा जन्म हुआ और जो मेरी अभी उम्र है, तो मैंने अपने लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया होगा दोस्तों, बहुत सारे काम मैंने किए होंगे, एक्सपीरियंस लिया होगा। मैं किसी जगह पे गया होगा, कई तरह के मैंने खाना खाया होगा, कई तरह के मैंने ड्रेसेस पहने होंगे, बहुत सारे काम किए होंगे। तो ये सब इस उम्र में, जब से बंदा पैदा हुआ और जिस उम्र तक वो है, ये उसकी लाइफ है। इस लाइफ में किसी ने अगर इतना कंप्लीट किया है, तो जब भी वो सिचुएशन आए कि आप अपने उस अकम्प्लिशमेंट को, उस एक्सपीरियंस को जब आप बयां करेंगे ना दोस्तों, तो वहाँ पर लिख कर ले लीजिए कि पास्ट इंडेफिनिट नहीं लग सकता है, आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही सहारा लेना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है। अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि हाँ भाई, मैं एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूँ कि मैं गांव के स्कूल में पढ़ चुका हूँ, मुझे एग्जाम्पल्स जल्दी मिलते नहीं हैं। मैं अगर बोलूं कि मैं गांव के स्कूल में पढ़ चुका हूं, ठीक है जी, अब मैं गांव के स्कूल में पढ़ चुका हूं, ये क्या है? ये मेरा एक एक्सपीरियंस है। तो अब मैं जब कभी भी शेयर करूंगा, तो मेरे पास टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट। मैं क्या बोलूंगा कि आई हैव स्टडीड, मुझे ऐसे ही बोलना हो कि आई हैव स्टडीड इन द स्कूल ऑफ माई विलेज। सो आई हैव स्टडीड इन द स्कूल ऑफ माई विलेज, ओके। या मैंने स्कूल को देखा, मैं देख के कह रहा हूँ, आई हैव ऑल्सो स्टडीड हेयर, मैं भी यहाँ पढ़ चुका हूँ। तो अगर अंग्रेजों के हिसाब से सोचेंगे दोस्तों, तो वो चुका चुकी तो समझते नहीं है। तो आप अगर हिंदी जानते हैं तो आपके मुंह से चुका निकलता है। आप अगर हिंदी नहीं जानते होंगे, आप बांग्ला जानते होंगे, उड़िया जानते होंगे, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, जितने भी भाषाएं आप जानते होंगे, तो उसमें ज़रूरी थोड़ी है कि आपको चुका ही बोलना है। तो चुका को तो आप भूल ही जाइए, पता नहीं किताब में क्यों लिख देते हैं लोग। आपको बस ऐसे समझना है, आपने अपने लाइफ में जो एक्सपीरियंस किया है, वो आप जिस भी रीजनल लैंग्वेज में सोचे, चाहे वो चुका पे ख़त्म हो, चाहे वो बा पे ख़त्म हो, डजेंट मैटर, आपको अंग्रेजी में तो भैया हैव और हैज़ ये लगाना है, ये बिल्कुल लिखवा कर ले लीजिए, ओके। तो आपने अपनी लाइफ में जो जो किया है, अब उसको गिनवाना शुरू कीजिए। अगर आपको बोलना है कि इस लड़की को देख रहे हो, मैं इसे कई लव लेटर्स दे चुका हूँ, अगर मुझे ऐसे बोलना है, तो मैं कैसे बोलूँगा कि कैन यू सी दिस गर्ल, आई हैव गिवन हर सो मैनी लव लेटर्स। तो मैंने हैव क्यों लगाया, मैंने सेकेंड फॉर्म क्यों नहीं लगाया? मैं ऐसे भी कह सकता था कि आई गेव हर सो मैनी लव लेटर्स, नहीं, उसे एक्सपीरियंस पता नहीं चलेगा। उसे ये पता चलेगा कि कब की बात है, मैंने कब वो दिया था। मुझे सिर्फ एक्सपीरियंस दिखाना है, मुझे ये नहीं दिखाना कि मैंने 2005 में दिया कि 2008 में दिया, नहीं। तो आई हैव गिवन हर सो मैनी लव लेटर्स, ओके। मैंने इसे कई बार हग किया है, आई हैव हग्ड हर सो मैनी टाइम्स। किसी को भी आप अगर आप बोलना है कि यार मैंने इसको हक किया हुआ है, ओके, ये इस लड़के को देखो, इसे तो मैं कई बार पीट चुका हूँ यार, तो कैसे बोलेंगे? आई हैव बीटन हिम सेवरल टाइम्स। वहाँ पर आपको हैव लगाना ही है, या उसने मुझे कई बार पीट रखा है यार, ही हैज़ बीटन मी सेवरल टाइम्स। तो समझ में आ रहा है, एक्सपीरियंस अब गिनवाइए, ओके। मैंने इस लाइफ में कई बार वजन बढ़ाया है और कई बार वजन घटाया है, ये क्या है? ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है। तो मैं क्या बोलूँगा कि आई हैव गेंड वेट मैनी टाइम्स, आई हैव लॉस्ट वेट मैनी टाइम्स, आई हैव रिड्यूस्ड फैट मैनी टाइम्स, तो ये सब समझ में आ गया, लाइफ का एक्सपीरियंस है, ओके। मैं कई बार पिज्ज़ा खा चुका हूँ, आई हैव ईटन पिज्ज़ा सेवरल टाइम्स, ओके। कई बार मैं पेड़ पर चढ़ चुका हूँ, ये सब मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस है। आई हैव क्लाइंब्ड अप द ट्री सेवरल टाइम्स, ओके। मैंने अपनी लाइफ में कई बार केले के फूल की सब्जी खाई है, अगर मुझे बोलना है तो आई हैव ईटन बनाना, फ्लावर्स, वेजिटेबल सेवरल टाइम्स इन माई लाइफ, ओके। मैं यहाँ जा चुका हूँ, मैं ये कर चुका हूँ, मैं ये पी चुका हूँ, इस तरीके से हम बोलते हैं। आई थिंक ये पहला बिल्कुल क्लियर है। तो क्या आप यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट लगाना चाहेंगे?
मत लगाइए, कट जाएगा। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो कट जाएगा, स्पोकन में तो भैया मैं देखता हूँ बहुत लोग गलत इंग्लिश बोलते हैं। एनीवेज चलो जी, ये हो गया। उसी तरीके से एक्सपीरियंस के साथ साथ आपने जो जो कंप्लीट कर लिया है, ओके, जैसे आपने कोई डिग्री ले ली है तो आप कहते हैं ना कि अच्छा यार मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूँ, तो आप क्या बोलेंगे, आई कंप्लीटेड ग्रेजुएशन या आई हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन, क्या बोलेंगे? आपको बोलना होगा आई हैव डन ग्रेजुएशन, आई हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन, यानी कि आप दिखाना चाह रहे हैं कि ये चीज़ मेरा कंप्लीट होके ये मेरी झोली में आ चुका है, ये अकम्प्लिशमेंट है, मैंने लाइफ में जो जो अचीव कर लिया है ना, जितने आपको मेडल्स मिले होंगे लाइफ में, ये बोलने के लिए आपको कौन सा टेंस यूज़ करना होगा? आपको सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना है। तो आप क्यों कन्फ्यूज्ड होते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट लगाऊं? क्योंकि आप हिंदी में जरूर सोचते होंगे, अपने रीजनल लैंग्वेज में आप सोचते होंगे, मत सोचिए ना। आप बस ये देखिए, आपने लाइफ में अगर कोई अवार्ड लिया है, आप क्या बोलेंगे, यार मैं तो भाई साहब 5 अवार्ड्स जीत चुका हूँ, तो आई हैव रिसीव्ड 5 अवार्ड्स, आपने ये बोला। मैं कई बार रेसलिंग कर चुका हूँ, आई हैव डन रेसलिंग, आई हैव रेसल्ड विद सो मेनी पीपल। तो समझ में आ रहा है, जो भी अचीव किया है और जितना भी आपने एक्सपीरियंस लिया है, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। डजेंट मैटर हिंदी में क्या है, हिंदी आपको नहीं सोचना है, तो बिना हिंदी को सोचे हुए अंग्रेजों के हिसाब से सोचिए और बोलिए। पहला आई थिंक एकदम कंप्लीटेड। अब आता है कि भाई सेकंड सिचुएशन क्या है। तो सेकंड सिचुएशन कुछ ऐसा होता है दोस्तों, कि जब हम स्टोरी टेलिंग करते हैं, स्टोरी टेलिंग आप जब भी करेंगे तो डेफिनेटली आप कल, परसों, नरसों, 10 साल पहले, 6 साल पहले, ऐसे आप बोलना शुरू करेंगे। तो स्टोरी टेलिंग में जो सबसे पहला हक बनता है वो पास्ट इंडेफिनिट का बनता है। तो आपको पास्ट इंडेफिनिट में बोलना पड़ेगा। ऐसे आप कैसे बोलेंगे, यार कल मैं अपने दोस्त से मिला, तो अगर आपने ऐसे बोला कि आई हैव मेट माई फ्रेंड येस्टरडे, ये गलत इंग्लिश, आपकी मजबूरी है, आप बिल्कुल बाउंड है आपकी, आपको पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करना। आप ऐसे बोलेंगे कि आई मेट माई फ्रेंड येस्टरडे। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप स्टोरी टेलिंग करेंगे तो स्टोरी टेलिंग के अंदर कुछ पास्ट टाइम आते हैं, कल, परसों, नरसों, 10 साल पहले। ये जो पास्ट टाइम है ये प्रेजेंट परफेक्ट में सूट नहीं करते। तो जब करते ही नहीं है तो क्या मतलब है ऐसे बोलने का कि आई हैव कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन 2008? क्या मतलब है, ये 2008 थोड़ी है भैया, ये 2020 है और आपने ग्रेजुएशन किया 2008 में। तो अगर आपको 2008 दिखाना है तो प्रेजेंट परफेक्ट भूल जाइए, और अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट दिखाना है तो 2008 भूल जाइए। दोनों में से एक काम करना पड़ेगा। तो जो दूसरा इस्तेमाल है वो यही है कि कभी भी अगर गलती से आपको पास्ट टाइम दिखाना हो तो नो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट का ही आप सहारा लीजिए। आप ऐसे बोलिए कि 5 साल पहले मैंने उसको चाटा मारा था। कैसे बोलेंगे, आई स्लैप्ड हिम 5 ईयर्स अगो। और अगर आपको 5 साल पहले नहीं दिखाना है, सिर्फ आपको एक्सपीरियंस दिखाना है, अरे भैया मैं उसको चाटा मार चुका हूँ, हिंदी में जैसा भी हो, मैंने चाटा मारा हुआ है, मैंने मार रखा है, मैंने मारा है भाई, कुछ भी करना हो आपको ऐसे बोलना होगा, आई हैव स्लैप्ड हिम। जैसे आप कहते हैं ना कि आई हैव स्लैप्ड हिम, पता चल जाता है अच्छा ये वो काम करके बैठा हुआ, एक्सपीरियंस लेके एकदम बैठा हुआ है। लेकिन जैसे आप कहते हैं कि आई स्लैप्ड हिम येस्टरडे, तब पता चलता है अच्छा ये वो बताना चाह रहा है कि अच्छा इसने उसको कल मारा। यही फर्क है, आप समझ पा रहे हैं? तो आपको करना क्या है, जरा मैं कैमरा पकड़ लूँ, आज कोई पकड़ने वाला नहीं है तो मैं खुद ही फ्रंट कैमरे से शूट कर रहा हूँ, कहीं कहीं पर रख करके, एक मिनट, ठीक है, अब चलते चलते बात करते हैं। ठीक है जी, तो इसको हम कहते हैं यू नो फिनिश टाइम। तो जितना भी फिनिश टाइम होगा दोस्तों, लिख कर ले लीजिए, आपको पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करना है फिनिश टाइम के अंदर। कौन कौन सा फिनिश टाइम है, कल, परसों, नरसों, जो भी हो गया। मैं बोलूँ कि 9 तारीख को, 9 नवंबर को मैंने ट्रेन पकड़ा भैया, तो ये क्या है, फिनिश टाइम है? 9 नवंबर तो भी है नहीं, तो मैं कैसे बोलूँगा कि आई बोर्डेड द ट्रेन ऑन 9th November 2020। ओके, 2004 में मैं आगरा गया ताजमहल देखने के लिए, तो मैं क्या बोलूँगा, 2004 फिनिश्ड है, अनफिनिश्ड है? फिनिश्ड है ना। मैं क्या बोलूँगा कि आई वेंट टू आगरा इन 2004, आई वेंट टू आगरा। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, आई हैव गॉन टू आगरा? अगर मैं कहता हूँ कि आई हैव गॉन टू आगरा, तो भैया मुझे टाइम नहीं दिखाना, इसका मतलब तो मैं अपने लाइफ का एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि भैया आगरा भी जा चुका हूँ भाई। अब चूंकि हिंदी हम बोलते हैं तो मजबूरी में चुका आ ही जाता है, आप बांग्ला में सोचो, चुका नहीं आएगा। ओके, अब मुझे नहीं आता, मैं कैसे बोलूँगा, तो आई हैव गॉन। वैसे तो अगर मैं आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज नहीं करूँ, फिर भी बता दूँ कि कभी भी अगर आप ये एक्सपीरियंस बोलेंगे ना कि मैं
आगरा जा चुका हूँ, दिल्ली जा चुका हूँ, तो कृपया करके आप गॉन की जगह बीन बोले। आई होप कि मैं कन्फ्यूज आपको नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक यही लॉजिक है कि गॉन का मतलब कि बंदा गया तो आया नहीं, और बीन का मतलब कि होकर आ गया। तो इसको समझ ही ले तो बेटर होगा। जैसे बोलना है कि यार मैं ना मुंबई, भैया मुंबई जा चुका हूँ मैं, यानी कि मुंबई का एक्सपीरियंस है, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आई हैव गॉन टू मुंबई, मुझे ऐसे बोलना होगा कि आई हैव बीन टू मुंबई। तो ये आई होप कि तो आप जानते ही होंगे, आई हैव बीन टू मुंबई मेरा मुंबई का एक्सपीरियंस है, आई हैव बीन टू आगरा सेवरल टाइम्स, यानी कि आगरा मैं कई बार जा चुका हूँ। तो चलिए मैं बीन पे अभी नहीं आता हूँ। डिफरेंस समझ में आ रहा है, फिनिश्ड अनफिनिश्ड टाइम। तो पास्ट हमारा क्या हो गया, फिनिश्ड टाइम। तो अगर आपको कुछ भी ऐसा दिखाना है जहाँ पर आपको टाइम दिखाना है, अरे यार कल 6 बजे भाई साहब मैं उसे मिला, तो आप क्या बोलेंगे, आई मेट हर या आई हैव मेट हर, आई मेट हर या आई मेट हिम एट 6 o'clock yesterday, कल 6 बजे मैं उससे मिला। ओके आज सुबह सात बजे मैंने एक कप चाय पी। तो क्या अभी मैं दोपहर में शूट कर रहा हूँ, मतलब हाँ दोपहर ही होगा शायद, अभी टाइम नहीं देखा मैंने। तो क्या ये सुबह 7 बज रहे हैं, नहीं, मान लीजिए अभी 10 बज रहे होंगे या 10:30 बज रहे होंगे सुबह के, और मैं 7 बजे मैंने चाय पी, तो 7 बजे तो बीत गया, वो मेरा फिनिश टाइम है। तो मैं क्या बोलूँगा कि आई टुक टी या आई हैड टी एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग टुडे। तो आज भी जिस वक्त आप खड़े होकर बोल रहे हैं, और आपने अगर आप 10 बजे खड़े होकर बोल रहे हो और आपने 7 बजे कोई काम किया, वो पास्ट इंडेफिनिट बन जाता है, बेशक वो प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट ही है ना, ये दिन मेरा प्रेजेंट है, लेकिन वो टाइम मेरा प्रेजेंट नहीं है। तो आई थिंक फिनिश्ड वाला बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, जितने भी फिनिश्ड टाइम है, पास्ट इंडेफिनिट तो पास्ट इंडेफिनिट। अब आते हैं अनफिनिश्ड टाइम। कुछ ऐसे टाइम है जो अभी फिनिश हुए ही नहीं, जैसे कि ये हफ्ता है, क्या ये हफ्ता, अभी जो हफ्ता ये चल रहा है, आज कौन सा दिन है, आज मंगलवार, तो क्या ये हफ्ता फिनिश हो गया है, ये फिनिश नहीं हुआ। तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि इस हफ्ते में यार मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। ओके, तो मैं क्या बोलूँगा, आई हैव मेड सो मेनी वीडियोस दिस वीक। तो मुझे दिस वीक बोलना है तो मेरा पूरा हक बनता है कि मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करूँ। क्यों, क्योंकि अनफिनिश टाइम है, अभी मेरा ये हफ्ता ख़त्म नहीं हुआ। बट स्पोकन इंग्लिश में ये चलता है, धरेले से चलता है, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको ये भी बताऊँ। स्पोकन इंग्लिश में बंदा बोलता है, दिस वीक ओ माई गॉड आई मेड सो मेनी वीडियोज, यू नो, ये चलता है स्पोकन में, लोग बोलते हैं। तो अब ये आपके ऊपर है, सच्चाई तो ये है कि जो अनफिनिश टाइम है उसके अंदर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाना है। लेकिन आप स्पोकन में अगर ऐसा बोलते हैं, सारे लोग बोलते हैं, तो ये बताना मेरा फ़र्ज है। हालांकि अगर एग्ज़ाम हो, कहीं पर टुडे लिखा हो, दिस वीक लिखा हो, ऐसा जैसे ख़त्म नहीं हुआ है, तो ऑफ कोर्स आपको प्रेजेंट परफेक्ट का ही सहारा लेना है। यही अगर लास्ट वीक होता तो 100% आपको पास्ट इंडेफिनिट लगाना है। वहाँ तो आप स्पोकन में भी हैव नहीं लगा सकते, वो तो बिल्कुल गलत, सुनने वाला कह देगा नहीं तो गलत। ऐसे मुझे बोलना है कि पिछले हफ्ते मैंने बहुत सारे वीडियो शूट किए, तो मैं क्या बोलूँगा कि आई हैव शॉट नहीं बोल सकता, आई शॉट सो मेनी वीडियोज लास्ट वीक। तो आई होप कि फिनिश्ड और अनफिनिश्ड समझ में आ रहा होगा। ये 2020 है, अभी ये फिनिश नहीं हुआ है। मैं क्या बोलूँगा, बहुत सारे लोग मर गए 2020 में, मैं क्या बोलूँगा, सो मेनी पीपल हैव डाइड इन 2020। स्पोकन इंग्लिश में लोग ऐसे भी बोलते हुए दिखाई देंगे कि सो मेनी पीपल डाइड इन 2020 बोलते हैं, बट सच्चाई क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट लगाना है। क्लियर हो चुका है, चलिए अब बारी आती है कि किचन में जैसे मेरी मॉम खाना पका रही है, मेरी वाइफ खाना पका रही है, तो अब वो जब खाना पका रही है तो बोलती है, प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ करती है, आई एम मेकिंग फूड, आई एम कुकिंग फूड। और जब उसने कंप्लीट कर लिया है तो उस वक्त उसे क्या इंग्लिश बोलना चाहिए, उस वक्त प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होगा। यानी कि जो भी आपने रिसेंटली फटाफट जो कंप्लीट कर लिया है ना, उसमें प्रेजेंट परफेक्ट ही आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है, आपको लगाना चाहिए। आप बोलोगे कि जैसे वो किचन से मेरी वाइफ कह रही है, ओके आई हैव कुक्ड फूड, आई हैव मेड फूड, तो वो है बोलेगी। हालांकि ऐसे भी इंसान बोलते हैं आई एम डन विद इट, वो तो चलो अलग चीज़ है, बट आप प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल कीजिए कि आई हैव कुक्ड फूड, आई हैव कंप्लीटेड द थिंग। ओके, अगर मैंने किसी को बोला कि अच्छा यहाँ पर एक गड्ढा करो, यू नो डिगिंग कर दो, और बंदा डिगिंग कर रहा है वो दिख रहा है, तो वहाँ पर मैं बोलूँगा, यू नो दिस गाय इज़ डिगिंग, ये खोद रहा है। अगर उसने खुदाई पूरी कर ली तो मैं वहाँ क्या बोलूँगा, अंग्रेजी क्या होनी चाहिए, मेरे मुँह से निकलना चाहिए, दिस गाय हैज़ डग अ बिग डिच,
तो मैं क्या बोल रहा हूँ, पर हैज लगा रहा हूँ, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सिचुएशनल अंग्रेजी सीखिए गाइस, अब हिंदी वो चुका चुकी भूल जाइए, सिचुएशनल देखिए। ओके, मैं अभी किचन की तरफ जाऊँ अपनी वाइफ से, मुझे पूछना है कि खाना बन गया क्या, ये मेरी हिंदी है। अगर मैं बांग्ला जानता तो शायद मैं बांग्ला में सोचता ना, लेकिन मैं अगर अंग्रेजी में सोचूं तो मैं कैसे बोलूँगा? मेरे मुँह से जो ऐसे निकलेगा ना सेंटेंस, वो निकलेगा कि हैव यू कुक्ड फूड, वो हैव ही निकलेगा, डिड यू नहीं निकलता है, हैव यू कुक्ड फूड, ये है। तो यानी कि जो काम चल रहा था और वो पूरा हुआ कि नहीं, ये पूछना है। तो सवाल पूछने में भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल है। जो काम कर रहा है उसको ये इन्फॉर्म करना है कि हाँ जी मैंने पूरा कर लिया, उसे रिपोर्टिंग करनी है ना, हाँ जी मैंने पूरा कर लिया, वहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होता है। अब स्पोकन में लोग गलत बोल दे, मैं भी जाके बोल दूँ क्योंकि डिड यू कुक फूड, कौन काटेगा? कोई नहीं काटेगा। लेकिन बोलना क्या चाहिए? हैव यू कुक्ड फूड, मुझे इन्फॉर्मेशन लेनी है। अच्छा चाय वाय हो गया जी, नाश्ता वाश्ता हो गया? उस वक्त करेक्ट अंग्रेजी क्या है? हैव है, सामने वाले से पूछने के लिए कि हैव यू टेकन टी, हैव यू टेकन योर ब्रेकफास्ट। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अच्छा मम्मी ने खाना वाना खा लिया, तो हैज़ योर मॉम टेकन फूड, हैज़ योर मॉम टेकन टी, मैं ऐसे पूछूंगा। अब स्पोकन में आप डिड यू टेक टी, ठीक है जी चलता है, बट सिचुएशन देख रहे हैं कहाँ प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करना है, कहाँ नहीं करना है, और कहाँ पर दोनों लोग बोलते हैं धड़ल्ले से चलता है, वो मैं आपको बताते चल रहा हूँ गाइस। ओके, तो और क्या मैं इसमें डिफरेंस आपको बताऊँ? यही सब डिफरेंस है। अब कुछ ऐसे कन्फ्यूजन वाली चीज़ें मैं आपको यह नहीं बताना चाहता हूँ, वो कन्फ्यूजन है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाली फीलिंग भी प्रेजेंट परफेक्ट में होती है, वो मैं आपको नहीं बताना चाहता हूँ अभी। जैसे कि आपने सुना होगा ना, जैसे किसी को बोलना है कि यार मैं इस बंदे को ना 10 साल से जानता हूँ, तो ऐसे बोलता है आई हैव नोन हिम फॉर 10 ईयर्स, वो मैं यहाँ नहीं बताना चाहता, उसके लिए अलग वीडियो होगा। डिफरेंस समझ लिए? तो जो मेजर डिफरेंस था वो यही था कि स्टोरी टेलिंग करनी है तो भैया पास्ट इंडेफिनिट, टाइम वाइम बताना है तो पास्ट इंडेफिनिट, और अपने लाइफ का जो एक्सपीरियंस बताना है, जितने भी एक्सपीरियंस है, जितना अचीव किया है, वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। और रिसेंटली आपने जो जो काम अभी ख़त्म कर लिया, खाना खा लिया है, पानी पी लिया है, पौधे को पानी दे दिया है, ये सब बताना है तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट का सहारा लेना चाहिए। और उगलवाना है किसी कि तुमने क्या क्या लाइफ में कर रखा है, वो एक्सपीरियंस बताओ, प्रेजेंट परफेक्ट है बस। ठीक है जी, तो यही था डिफरेंस। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ छोड़ दिया है, नहीं बताया है, तो आप अगर जानते हैं तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। Thank you guys.